सबसे पहले मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में आए हैं। विजय बहादुर पूर्व में रहे जिला पंचायत अध्यक्ष, मैं इनको आज समाजवादी पार्टी में शामिल कर करके और साथ ही साथ इनके साथी सहयोगी आए हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। हाल ही में जो संविधान बचाने के लिए जो आह्वान किया था, पीडीए की लड़ाई को और मजबूत करने के लिए लगातार इन्होंने और इनके साथियों ने हमें जमीन पर मदद करने का काम किया है। जो इनका संघर्ष रहा, इनका सहयोग रहा, उसका परिणाम ये हुआ है कि मोहनलालगंज लोकसभा आपकी पार्टी बहुत ऐतिहासिक वोटों से जीत करके गई। न केवल इनके साथियों का सहयोग हमें लखनऊ, मोहनलालगंज आसपास के क्षेत्र मिला है, बल्कि बाराबंकी और आसपास के क्षेत्रों में भी इनके सहयोगी साथियों ने बहुत ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन और पीडीए की लड़ाई को मजबूत करने का काम किया है। मैं इन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में इनके साथी सहयोगी और समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के समाजवादी आंदोलन को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। हाल ही में जो सरकार फैसले ले रही है, ये सरकार जो आपस में लड़ रही है, इनके फैसले भी जल्दीबाजी के हैं। जहां शिक्षकों को परेशान करने के लिए जो सरकार ने फैसला लिया कि ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस ली जाएगी, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध भी किया। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, ये फैसला स्थगित नहीं होना है। स्थगित का मतलब यह है कि कभी भी सरकार इसको लागू कर सकती है। तो ये फैसला निरस्त हो तभी हमारे शिक्षकों की असली मदद होगी। वहीं ये जहां कमजोर पड़े हैं, लखनऊ में और सरकार में ये कमजोर पड़े हैं, इसलिए इन्होंने ध्वस्तीकरण का अपना फैसला टाला है। ये फैसला ही टाला है, ये फैसला हमेशा हमेशा के लिए खत्म नहीं हुआ है। इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑनलाइन डिजिटल अटेंडेंस थी वो स्थगित नहीं, निरस्त हो। और हम सावधान करना चाहते हैं दिल्ली की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़ करके और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है। हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर दलाली चल रही है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हो कि दलाली हो रही हो और अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा हो कि दलाली हो रही है, तो जनता जानती होगी कितनी दलाली हो रही है।